आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये बदमाश पिछले दिनों परदेशीपुरा क्षेत्र में हुई चाकूबाजी के आरोपी है। बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और इनका इलाके में जुलूस भी निकाला। टीआई सुधीर अर्जरिया ने बताया कि मंगलवार रात को अंकुश को सचिन, गणेश और रामचंद्र ने चाकू मार कर घायल कर दिया था। इन्हीं तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले इनका इलाके में जुलूस निकाला और सभी बदमाशों को एक दूसरे से पिटवाया। परसों रात में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी। बंसी की फेल में रहने वाले अंकुश गेले को कुछ युवकों ने चाकू से मारपीट की थी। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए हमने आज उस घटना में शामिल तीन आरोपी सचिन, गणेश और रामचंद्र को गिरफ्तार किया है और इनके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किए हैं। घटनास्थल की तस्दीक के लिए इनको मौके पर ले जाया गया था और जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों के इस समय निर्देश हैं, चाकूबाजी विशेषकर चाकूबाजी की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जाकर और उनको बाउंड ओवर भी कराया जा रहा है और उनमें ताकि आम जन में किसी तरह का खौफ ना रहे और गुंडों में इस चीज़ की पूरा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि वो चाकूबाजी करेंगे तो उनमें पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी और उसका दमन करेगी। आज हमने क्षेत्र के जो लिस्टेड गुंडे हैं उनको सबको थाने पर पकड़ कर इकट्ठा किया और उनमें जो प्रतिदिन जो कार्रवाई चल रही है उस हिसाब से आज तक हम 59 लोगों पे 110 की कार्रवाई कर उनको बाउंड ओवर कर चुके हैं और उनको समझाइश भी दे दी गई है कि आगामी समय में होली के त्यौहार तथा आचार संहिता में यदि छोटा से छोटा भी अपराध में वो शामिल होते हैं तो वो बाउंड ओवर के तहत उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। पकड़ाए सभी बदमाशों पर पहले भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, अन्य न्यूज़, इंदौर।